कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। ललन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में। हेलो, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। पिछले काफी समय से यशराज फिल्म्स की धूम सीरीज को लेकर बातें चल रही हैं। भाई वॉर इतनी अच्छी चली है तो भाई इसकी भी बातें होंगी ही कि अब धूम 4 में कौन दिखेगा। जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान के बाद इस सीरीज की जो चौथी इंस्टॉलमेंट है यानी धूम 4, उसके लिए अलग ही बज है। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक नामों का जिक्र हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों में मिड डे में एक रिपोर्ट आई, इसमें ये कहा गया कि धूम 4 में अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। मिड डे ने अपने सोर्स के अकॉर्डिंग ये लिखा कि भाई फिल्म 2.0 में अक्षय कुमार के लार्जर देन लाइफ विलेन के किरदार ने आदि यानी आदित्य चोपड़ा को कन्विंस कर दिया है कि अक्षय कुमार धूम सीरीज की अगली किस्त में मतलब अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, परफेक्ट चॉइस हैं। और इस बारे में इन दोनों यानी अक्षय और आदित्य की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें फिल्म की कहानी भी सुनाई जा चुकी है। ये किरदार एक कूल स्टाइलिश अंडरवर्ल्ड डॉन का होगा, लेकिन ये धूम के पिछले विलेन लोगों से थोड़ी बेहतर होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के आखिर यानी 2019 तक अक्षय और आदित्य इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सीरीज की चौथी फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा का होना भी तय नहीं है। अभी तक फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट मानुषी छिल्लर फीमेल लीड प्ले कर सकती हैं, ठीक है। हालांकि मिड्डे की खबर में ये भी लिखा है कि जब इस बारे में उन्होंने यशराज फिल्म्स और अक्षय कुमार से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस खबर के बाद डीएनए में एक रिपोर्ट छपी जिसमें यशराज फिल्म्स के हवाले से इस मामले पर सफाई पेश की गई। डीएनए ने यशराज फिल्म्स के हवाले से लिखा कि धूम के बारे में जो खबर मिडडे में छपी है वो पूरी तरह से गलत और निराधार है। धूम हमारे लिए एक ज़रूरी फ्रेंचाइजी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास धूम 4 के लिए कोई आइडिया या स्क्रिप्ट नहीं है। हम आपके किसी भी और सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ अपनी खबरों को हमारे साथ एडवांस में ही डबल चेक कर लिया करें ताकि हम आपको सही जानकारियां अवेलेबल करवा पाएं। अक्षय कुमार फिलहाल यशराज फिल्म्स के साथ पृथ्वीराज फिल्म कर रहे हैं, इन्हीं वजह से शायद इन खबरों को स्ट्रेंथ मिली होगी और अक्षय यशराज के साथ पृथ्वीराज के बाद धूम 4 में भी काम कर सकते हैं, ऐसी बात उड़ी होगी। वैसे अक्षय कुमार के हाल फिल्मों से इस वक्त भरे पड़े हैं। आने वाले दिनों में उनकी गुड न्यूज़, सूर्यवंशी, बच्चन पांडे और लक्ष्मी बम जैसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। बहुत ही जोरदार हैं सारी की सारी, लग तो रही हैं पोस्टर्स से। इनमें से अधिकतर की शूटिंग अक्षय तकरीबन निपटा चुके हैं, सिर्फ बच्चन पांडे का ही काम बचा हुआ है ऐसा सुनने में आया है। और हिंदी की सबसे दुलारी वेबसाइट दी ललन टॉप आपके लिए एक जबराट खबर लेकर आई है। ये वाली सूचना अक्षय कुमार से रिलेटेड नहीं है। दी ललन टॉप का कहानी कंपटीशन वापस आ गया है। इस कंपटीशन में कहानी लिखकर आप 1,00,000 रुपए का इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर करवाना है खुद को। कैसे, ये आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब आप करवा लेंगे तो उसके बाद आपको सीधे आना होगा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में। वहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है आज तक का, साहित्य आज तक, 1, 2 और 3 नवंबर को। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी और कोई क्वेरीज हैं तो हम इंस्टाग्राम पर लाइव होंगे आपके साथ मंडे से। आप इंस्टाग्राम पर अगर नहीं हैं तो हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम आपसे लाइव बातचीत करेंगे इसी प्रोग्राम के बारे में। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वहाँ पर हम आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं, किससे आप क्या बात करना चाहेंगे, कहानी कॉम्पिटिशन में कहानी कैसे लिखें। और आप अगर अपना मन इतनी बातों के बाद बना चुके हैं आने का तो ज़रूर आइएगा, मिलेंगे आपसे। और आपके भी मन के सवाल, आपके चहेते जो गेस्ट्स होंगे अगर आपको पसंद है तो उनसे हम पूछेंगे। ये वाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉलो करते रहिए दी ललन टॉप। बाय बाय। तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। ललन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। ललन टॉप अड्डा जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए ललन टॉप अड्डे पर
दिखाइए अपने हुनर का कमाल। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में।